गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं निश कुमार देव वीडियो नंबर 2 के साथ में कृषि जीव विज्ञान। पिछले वीडियो में हमने आपको पादप प्रजनन की परिभाषा और उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद में हमने आपको पाठ के में ही पादप प्रजनन की विधियां या क्रियाएं, तो ध्यान देना पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीजों के वितरण तक निम्नलिखित क्रियाओं या विधियों का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना पादप प्रजनन की विधियों में उसमें देखेगा। पादप प्रजनन में उन्नत किस्मों उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीजों के वितरण की निम्नलिखित क्रियाओं या विधियों विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कौन कौन सी विधियां देखेंगे हम, सबसे पहले रहते हैं विविधता का उत्पादन प्रक्रियाएं। पहली है विविधता का उत्पादन, विविधता का उत्पादन। दूसरी है वर्ण या चयन सिलेक्शन, और तीसरी जो विधि है वो रहती है मूल्यांकन क्रिया, जो हम कहते हैं मूल्यांकन क्रिया। चौथी है इसको आपका कहते हैं आपके वर्ण, और पांचवी जो है वो रहती है आपके वितरण। पादप प्रजनन क्रियाओं या विधियों में क्रियाओं या विधियों में क्या होता है, देखिए उन्नत किस्मों या नई किस्मों के विकास एवं उनके बीजों विकास कर लिया और उनके बीजों के वितरण तक की निम्नलिखित क्रियाओं या विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से विविधता का उत्पादन, नई किस्म के विकास के लिए विविधता का उत्पादन या विविधता का होना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद में उसके किया जाता है वर्ण किया जाता है, चयन किया जाता है उसकी गुणों के अपने गुणों के आधार पर। उसके बाद में मूल्यांकन, उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर उसका ग्रहण किया जाता है और उसके बाद में उसको वितरित किया जाता है। एक एक का इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपके यहाँ पर सबसे पहले विविधता का उत्पादन ध्यान देंगे, पादप प्रजनन क्रिया में सबसे पहले आपके विविधता का उत्पादन। यही है
बीवी भेदा का उत्पादन, विविधता का उत्पादन। इसमें देखें आप ध्यान देना कि फसल सुधार के लिए या फसल की उत्तम किस्म बनाने के लिए फसल सुधार के लिए विविधता का होना अत्यधिक आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। ध्यान देना, अर्थात विविधता नहीं होने पर, विविधता नहीं होने पर किसी भी फसल में सुधार करना संभव नहीं होता है, मतलब असंभव होता है। अतः विविधता विभिन्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, जैसे ग्राम्य या घरेलू वन के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। उसके बाद में दूसरी आती है जन द्रव संग्रह, जन द्रव का संग्रहण किया जाता है, जनप्लाज। उसके बाद में पादप पुनर्स्थापन और संकरण उत्परिवर्तन। उसके बाद में भ्रूण का अनुमान से अभियांत्रिकी। तो इसकी विविधता का उत्पादन की अनेक विधियां हैं। इसमें आप देखें ध्यान से कि टॉपिक बना के देखें कि फसल सुधार के लिए फसल सुधार के लिए फसल सुधार के लिए विविधता और विभिन्नता विविधता का होना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। अर्थात विविधता, अर्थात विविधता नहीं होने पर, विविधता नहीं होने पर फसल सुधार, विविधता नहीं होने पर फसल सुधार या फसल में सुधार असंभव होता है, संभव होता है। अर्थात विविधता यदि नहीं होती है तो फसल में सुधार नहीं होता है, जान लीजिएगा। इसके बाद में अतः विविधता, विविधता विभिन्न प्रकार से उत्पन्न कर सकती है। आते विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है, विविधता विभिन्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। इसमें सबसे पहले आता है डोमेस्टिकेशन, घरेलू वन या ग्रामीण। देखिएगा किसी फसल के लिए विविधता का बहुत ही आवश्यक होता है, यदि विविधता नहीं होती है तो फसल सुधार संभव होता है। फसल सुधार संभव होता है। तो पहला देखिए आप इसे बोले ना ग्राम्यन, ग्राम्यन या घरेलूकरण, ग्राम्यन या घरेलूकरण इसे बोलते डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन। दूसरी है आपके जन्म द्रव संग्रह, जन्म द्रव संग्रह। इसलिए पादप, पादप उन्हें स्थापन या पुनर्स्थापन, पादप उन्हें स्थापन। चौथी है संकरण और पांचवी आ जाती है आपको उत्परिवर्तन,
परिवर्तन घटना है आपको बहुभूमिका बहुभूमिका घटना है आपको आनुवंशिक अभियांत्रिकी आनुवंशिक अभियांत्रिकी तो ध्यान देना ये फसल सुधार की विधियां हैं। यदि ये विधियां नहीं हुई तो किसी फसल में सुधार संभव नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे इसको कौन सी ग्राम्यन ग्राम्यन या घरेलू उपकरण। ग्राम्यन मानव द्वारा इसके द्वारा मानव के द्वारा आर्थिक महत्व के जंगली पादपों की खेती करने की और उनकी देखभाल और उन्हें उगाने की प्रक्रिया को ग्रामीण निर्वण कहते हैं। अगर इस द्वारा मानव के द्वारा आर्थिक महत्व के जंगली पादपों की खेती करने उनका देखभाल और उगाने की प्रक्रिया को ग्रामीण कहते हैं। तो देखिएगा ग्रामीण पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, चरण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है ग्रामीण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसमें देखिएगा पहला देखो ग्रामीण किसे कहते हैं, ग्रामीण में गड़बड़ क्या है, इसमें देखो ध्यान से कि मानव द्वारा किसके द्वारा मानव द्वारा आर्थिक महत्व के इसके आर्थिक महत्व के जंगली आर्थिक महत्व के जंगली पादपों की खेती जंगली पादपों की खेती करने खेती करने उनकी देखभाल खेती करने उनकी देखभाल और उगाने की प्रक्रिया को और उगाने की प्रक्रिया को ग्रामीण या घरेलूकरण कहते हैं। तो आर्थिक महत्व के जंगली पादपों की खेती करने उनकी देखभाल करने और उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्रामीण या घरेलूकरण कहते हैं। देखो ग्राम्य पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण या प्रक्रिया होता है, सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। तो जंगली पादप होता है ना देना, तो उसकी खेती करने उसकी देखभाल करने और उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्रामीण कहलाती है। आप देना उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां जन के लिए उपलब्ध होती है। महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां
प्रजातियां इसके लिए धन के लिए पादप प्रजातियां धन के लिए उपलब्ध होती हैं, धन के लिए उपलब्ध होती हैं, धन के लिए उपलब्ध होती हैं। इसलिए पादप प्रजनन इसलिए ग्रामीण या धनवर्ग पादप प्रजनन सबसे लक्षण होता है। अब देखिएगा अतः मानव ने क्या किया प्राचीन काल से ही, अतः मानव ने प्राचीन काल से ही अपने आसपास पाए जाने वाले जंगली पौधों की खेती करने और उनको उपयोग के गुणों के आधार पर शुरू कर दी थी या उनके उपयोगी गुणों के आधार पर प्रारंभ कर दी। तो ये करता आ रहा है शुरू से प्राचीन काल से मानव अपने आसपास के जंगली पौधों पे उनको आर्थिक गति के उपयोग से अपने गुणों के उपयोग से आधार पर खेती करना प्रारंभ कर दिया था। आगे देखो इसमें इस कड़ी में अगला जो पॉइंट है अतः मानव ने प्राचीन काल से ही आसपास पाए जाने वाले अपने आसपास पाए जाने वाले अपने आसपास पाए जाने वाले जंगली पौधों की जंगली पादपों की जंगली पादपों की खेती करके जंगली पादपों की खेती उनको उनके आर्थिक गुणों के आधार पर जंगली पादपों की खेती उनके आर्थिक गुणों के आधार पर प्रारंभ कर दी। ध्यान देना कि मानव ने प्राचीन काल से ही अपने आसपास पाए जाने वाले जो कि अपने आसपास पाए जाने वाले जंगली पादपों की खेती किस आधार पर की उनके गुणों के कौन से आर्थिक गुणों के आधार पर कि जंगली पादपों में कौन कौन से आर्थिक विशेषताएं पाए जाते हैं उनके आधार पर खेती करना प्रारंभ कर दिया था। अतः ग्रामीण के कारण फसलों के विस्तरण या तो समाप्त हो गया ग्रामीण फसलों का विस्तरण या तो समाप्त हो गया या बहुत ही कम हो गया और अधिकांश फसलों के पकने की अवधि में भी कमी तथा सभी फसलों के दाने आकर वृद्धि भी हुई। उसका इसका क्या प्रभाव पड़ा ध्यान देना ग्रामीण का देखिएगा ग्रामीण के कारण ग्रामीण या घरेलू वर्ग के कारण क्या करा हुआ ग्रामीण के कारण फसलों में विस्तरण फसलों में मिश्रण या तो समाप्त हो गया मिश्रण या तो समाप्त हो गया या बहुत ही हो गया या बहुत ही कम हो गया बहुत ही कम हो गया और
वगैरह और अधिकांश फसलों के और अधिकांश फसलों के और अधिकांश फसलों के पकने की अवधि में फसलों के पकने की अवधि फसलों के पकने की अवधि में भी कमी आई अवधि में भी कमी आई अवधि में भी कमी प्लस सभी फसलों के दाने तथा सभी फसलों के दाने सभी फसलों के दाने तो भी दाने एवं आकार में वृद्धि हुई दाने एवं आकार में भी वृद्धि हुई पाए जाते हैं
जिनमें जिनमें मानवीय क्रियाकलापों या प्राकृतिक कारकों से भिन्नता प्राकृतिक कारकों से भिन्नता उत्पन्न हो सकती है, भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। कंजना किसी भी पालक संस्थान में विभिन्न जीव प्रणाली पालक पाए जाते हैं जिनमें मानवीय क्रियाकलापों या प्राकृतिक क्रियाकलापों से भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। अतः इस आधार पर हो सकती है, अतः इस आधार पर वर्ण में चयन निम्नलिखित दो प्रकार से हो सकता है, पहला है आप देखिएगा प्राकृतिक वर्ण और दूसरा है कृत्रिम वर्ण, एक तो प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। अभी के बारे में चर्चा करते देखिएगा प्राकृतिक वर्ण क्या है। प्राकृतिक वर्ण देखिए पहला प्राकृतिक वर्ण या चयन। डार्विन ने क्या बताया था कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था, क्या देखा वही समष्टि जीव रहती है या वही व्यष्टि या वही जीव जीव रहता है जो प्रकृति में संघर्ष करता है, बाकी मर जाती है। तो देखिएगा ये केस होता है जब किसी पादप समष्टि में प्राकृतिक वर्ण का मानने को जब किसी पादप समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों जब किसी पादप समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु वृद्धि जलवायु कारक वृद्धि कारक और जैविक कारकों आदि से होती है तो उसे प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ध्यान देना तो देखिएगा जब किसी पादप समष्टि में ध्यान देना बेटा दो चीजें हैं, व्यष्टि व्यष्टि का मतलब क्या होता है एक जीव और समष्टि का मतलब जनसंख्या अनेक जीव जनसंख्या, ये दोनों का आप आपको समझना चाहिए। समष्टि का मतलब जनसंख्या और व्यष्टि का मतलब एक जीव जीव। इसमें देखो तो क्या होता है जब किसी पादप समष्टि में वर्ण की प्रक्रिया वर्णनी चयन की प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों प्राकृतिक
कारकों जैसे प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु कारक है ना, जलवायु कारक, जलवायु और जैविक कारकों और जैविक कारकों आदि आदि से और जैविक कारकों आदि से होती है, आदि से होती है तो उसे प्राकृतिकरण कहते हैं, तो उसे प्राकृतिक वरण कहते हैं। तो क्या समझे जाने ना कि जब किसी पादप सृष्टि में कोई भी पादप सृष्टि में वरण की प्रक्रिया मतलब चयन की प्रक्रिया प्राकृतिक कारकों जैसे जलवायु कारक, वृद्धि कारक और जैविक कारकों से होती है, संपन्न होती है, जैसे होती है तो उसे प्राकृतिक क्या कहते हैं, वरण कहते हैं। दूसरा इसके अंदर आपको जानना कृत्रिम वरण या कृत्रिम रूप से चयन, इसमें कहते हैं जब किसी पादप सृष्टि में वरण की प्रक्रिया मानवीय क्रियाकलापों, जब किसी पादप सृष्टि में वरण या चयन की प्रक्रिया मानवीय क्रियाकलापों से होती है तो उसे कृत्रिम रूप से या कृत्रिम वरण कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जब किसी पादप सृष्टि में वरण की प्रक्रिया मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कृत्रिम रूप से की जाती है तो उसे क्या होते हैं, कृत्रिम वरण कहते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कृत्रिम वरण के कारण पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी होते हैं। इसका एक लाभ है आप देखिएगा, जब किसी पादप समष्टि जब किसी पादप समष्टि में वरण की प्रक्रिया जब किसी पादप समष्टि में वरण की प्रक्रिया मानवीय क्रियाकलापों मानव द्वारा मानवीय क्रियाकलापों मानवीय क्रियाकलापों से मानवीय क्रियाकलापों से कृत्रिम रूप से मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कृत्रिम रूप से की जाती है मानवीय क्रियाकलापों द्वारा कृत्रिम रूप से की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम वरण कहते हैं। तो उसे कृत्रिम वरण कहते हैं आगे देखिएगा कृत्रिम वरण के द्वारा पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी
उपयोगी हो जाते हैं, अति उपयोगी हो जाते हैं। वर्णन सिलेक्शन चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डार्विन सिद्धांत दिया था कि प्राकृतिक ग्रहण का सिद्धांत कि प्रकृति में जो जीव संघर्ष करता है वही जीवित रहता है। इसी आधार पर जानना कि जो ग्रामीण धर्मगण होता है उसका चयन दो प्रकार से होता है, या वर्ण दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। इसमें प्राकृतिक वर्ण में क्या होता है, जब किसी मानव सृष्टि में वर्ण की प्रक्रिया प्राकृतिक कारक हो जैसे जलवायु नदियां और जैविक कारक आदि से होती है तो उसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इस प्रकार कृत्रिम वर्ण जब किसी मानव सृष्टि में वर्ण की प्रक्रिया मानवीय क्रियाकलापों से कृत्रिम रूप से की जाती है तो उसे कृत्रिम वर्ण कहते हैं। यह कृत्रिम वर्ण द्वारा या कृत्रिम वर्ण पौधों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इसी के साथ ये वीडियो संपन्न होता है, आगे आपको बताया जाएगा।